एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे, अभी है शाम का 5। अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से बहुत बिजी थी, कोई काम नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बिजी थी। टीवी भी देखने में बिजी थी। और ये देखो मेरे घर का हाल, पूरे मैंने फैला के रखा है ना, एक भी मैंने कटिंग नहीं किया है। आलस मुझे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेली मैं वीडियो शूट करती हूँ, डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो अलग सा एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, पता नहीं क्यों। अभी है नहीं, सुबह सुबह उठ के मैंने बस खाना वाना पकाया और कुछ नहीं की। कल मैंने 2 ड्रेस सिले थे, एक ना पहले ही मैंने सिला था, तो जिनका ड्रेस था ना उनको पसंद नहीं आया था, तो उस ड्रेस को तो वो उसको पसंद नहीं आया था, वो कुछ बोली नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है मेरे काम से। तो मैंने वापस से उसको खोला और खोल के फिर से मैंने वापस उसको बनाया। कल मैं वही काम में बिज़ी थी, तो ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है ना, फिर ये वाला वीडियो बनाओ और उसको एडिट करने में बहुत वो हो जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि शाम होते ही मुझे आ जाती है नींद, तो मैंने कोई कल वीडियो नहीं बनाया। और ऐसे ही ना आजकल मुझे लग गई है आलसी बहुत ज़्यादा, तो मैं तब से सोच रही हूँ मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ है नहीं मेरे पास अभी वीडियो बनाने के लिए। मैंने बोला जो भी हो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना ब्लॉगिंग जो भी मैं करती हूँ वही अपना शेयर करूँगी। कटिंग करने बैठी हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने कटिंग कर ली है, मैंने आपको दिखाऊं, ये जो है ना लाइनिंग वाली ड्रेस है, लाइनिंग वाली ब्लाउज है, क्रॉस कटिंग बोलते हैं यहाँ पर तेलुगु लोग जो है ना। अच्छा, कोलकाता के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है कटोरा कटिंग होता है, और जो यहाँ के लोग होते हैं ना क्रॉस कटिंग पहनते हैं। तो क्रॉस कटिंग में ये है हैंड्स, सेम होता है ना, हैंड तो सेम ही होगा जो है ना, ये हैंड है और सामने का ये थोड़ा सा काटा जाता है, ये है बैक। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपके वहाँ भी ऐसे ही कटिंग होती है क्या। ये है बैक साइड, ये है हैंड, और फ्रंट ही हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है फ्रंट, ठीक से दिखाऊं तो ये देखो, ये है फ्रंट, और इसमें आएगा अभी नीचे वाला एक पट्टी जिसको बोलते हैं शेप पट्टी। तो अभी इसमें शेप पट्टी मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि जिनका ब्लाउज़ है वो कंजूसी से मुझे कपड़े बहुत ही कम दिए हैं, तो इतने से कपड़े में मैं शेप पट्टी अभी नहीं बना पाऊँगी, अपना कपड़ा कुछ और लगाऊंगी। तो ये मेरा जो है फ्रंट कटिंग हो गया है, बैक कटिंग हो गई है, हैंड हो गई है, इसे रख कर मैं दूसरा कटिंग करूँगी क्योंकि जिनका ब्लाउज़ है वो 4 ब्लाउजेस हैं, एक ही जने के ना 4 ब्लाउजेस हैं, तो मैं इसी को रख के फिर इसको कटिंग कर लूँगी। देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा लग रहा है, पुरानी पुरानी फिल्में जो कि मैं अपनी बचपन में देखा करती थी ना, वही सारी सिनेमा जो मूवी होती है ना, वही ये देखो, वही सारा कुछ देख के मैं इंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। पहले मैं बहुत बार देख चुकी हूँ फिर से वापस, जब मैं 10th में पढ़ती थी, 10th में ना, तब ये सारी फिल्में आया करता था। सलमान खान की मूवी है चल मेरे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और पता है तब से मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूँ क्या करूँ, तो मैंने ना चाय उधर चढ़ा के आई हूँ, मैंने बोला चाय पी लूँगी, अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद ही मैं काम करना शुरू करती हूँ ब्लाउज़ वाला, जल्दी जल्दी से बन जाएगा। नहीं होगा ना, कोई अगर चीज़ अटका रहता है ना तो दिमाग उसी पर अटकी रहती है कि वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो चाय पी लूँगी ना तो फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। चलो चाय पीने चलते हैं। कभी कभी ना मेरे कस्टमर्स को मेरी बनाई हुई कपड़े जो ड्रेस मैं बनाती हूँ, कभी कभी उनको पसंद नहीं आता है। तो ये वाला जो ड्रेस है, ये पहले मैं कुछ और बनाई थी, उनको पसंद नहीं आया, तो मैं वापस से इसको ये लुक दी हूँ यहाँ से, और फ्रंट से जो है ये है। ड्रेस सिला था वो भी अम्ब्रेला कट फुल लेंथ का, फ्लोर लेंथ, और अभी जो है ये भी फ्लोर लेंथ है, ये अम्ब्रेला कट नहीं है, ये नॉर्मल कट ही है, पर इसमें फुल घेरे हैं,
जो कि मेरी कस्टमर जो है ना बहुत दूर रहती है, वहाँ से वो आके मुझे देकर जाती है। ये जो मैंने ड्रेस सिला है ये साड़ी से मैंने साड़ी काट के सिला है, तो उन्होंने उनको मैंने पहले बनाया, और जो ये वाली ड्रेस है ना ये मैंने पहले ही बनाया था 15-20 दिन पहले, तो उनको ना इस ड्रेस की पिक मैंने भेजी थी, तो उनको मतलब कुछ बोली नहीं, लेकिन मुझे पता चला उनके एक्सप्रेशन से कि उनको पसंद नहीं आया। तो मैंने वापस से इसको ना खोला, खोल के फिर वापस से मैंने दूसरा इसमें लुक लगाया। अब देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं आता है। जो भी हो, मैंने आज दो ड्रेस सिले हैं, कंप्लीट किए हैं, और अभी बज रहा है शाम का 7:15। अब देख सकते हो 7:20 यहाँ पर है। पूजा पाती बबलू ने कर दिया है, रात हो गई है, अब मैं भगवान जी को गुड नाइट बोलूँगी और चाय नहीं पिया मैंने, चाय पीऊँगी थोड़ी सी। अच्छा, मैंने तो बताया नहीं मेरे मम्मी और पापा जी को प्रणाम कर लीजिए। फ्रेंड, चाय मैंने पी ली है, अब बचे हैं थोड़े बर्तन, इसको मैं साफ करूंगी। ये चाय का बर्तन भी मैं साफ करूंगी। अच्छा, मैं ये वाला ना छल्दी मैं नई वाली लाई थी, उस दिन गई थी ना भारत बाजार, वहां से मैं न्यू वाली लेकर आई थी, और पुरानी वाली और इस पुरानी वाली छलनी की हालत जो है ना ये है फ्रेंड, तो मैं अब इसको ना सुधारती हूँ थोड़ा सा ना, इस छलनी को ना थोड़ा सा सुधार लेती हूँ। बस इसको ना ऐसे थोड़ा सा जलाना होता है, जो इसके अंदर जो भी गंदगी होती है ना ये सारा जल जाएगा, और बस 2 मिनट के अंदर सारा नीट और क्लीन हो जाएगी आपकी छलनी। देख सकते हो अपना नीचे ना इसका पाउडर गिर रहा है, ये देखिए। तो ऐसे हम करेंगे ना तो ये सामने वाला ये पोर्शन जो है खराब हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं झटकेंगे इसको, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इसके जो साइड में जो ये है ना, ये जो काले काले दिख रहे हैं, इसको मैं अब निकाल दूंगी इस स्पून की हेल्प से। ये देखो छलनी मेरी जो है ना साफ हो गई है, और बहुत ही ज्यादा साफ हो गई। इसके जो साइड में जो भी लगे थे ना मैंने उसको क्लीन कर दिए हैं, और इस तरफ भी देखो क्लीन हो गए हैं। और ये जो वाइट आपको दिख रहे हैं ये देखो, ये सारा जो है चाय पत्ती का डस्ट है। अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। जो है मेरी छलनी हो गई है न्यू और बिल्कुल साफ, और जो इसका कलर चेंज हुआ है ना जलने की वजह से, वो भी मतलब यूज करते करते ना फिर से सीधा हो जाएगा। ये वैसे तो लोहे का है ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक हो जाती है। ये हमारी छलनी रेडी। तो फ्रेंड चाय पीते पीते मैं ना मूवी के अंदर घुस गई थी। इतनी मतलब अभी आजकल इतना मुझे मूवी का शौक चढ़ गया है, क्या बताओ। अगर एक चलता है ना बस उसमें ही मैं घुस जाती हूँ, और फुल मूवी जब तक ख़त्म नहीं होती है ना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इतनी आदत हो गई है। तो मैंने सोच रखा है कि कल से कोई टीवी नहीं चलेगा एक हफ्ता, फिर अगले संडे को ही चलाऊंगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। और मेरा काम भी रुक गया था, जो मैंने सोचा था कि ब्लाउज़ बनाऊंगी वो काम भी रुक गया था। तो अभी शाम हो गई है, मतलब पूजा पाठ हो गई है मेरी शाम वाली, और अब मैं ना क्या कर रही हूँ, ये जो लाइनिंग है ना मैं आयरन करके रख रही हूँ, प्रेस करके रख रही हूँ ताकि कटिंग करने में आसानी हो। और अभी वैसे मैं कटिंग करूँगी नहीं, अभी पहले इस वीडियो को मैं एडिट करूँगी और अपलोड वगैरह कर लूँगी, कटिंग मैं सुबह कर लूँगी, क्योंकि पहले ना ये वीडियो का काम ख़त्म हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं ना, फिर से वो कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले आयरन कर लेते हैं। चार मेरे लाइनिंग है, चारों को मैं ना प्रेस करके रख दूँगी। प्रेस अगर करते हैं ना तो हमको कटिंग करने में बहुत आसानी होती है, कहीं मुड़ा वड़ा नहीं रहता है ना, इसलिए मैं हमेशा प्रेस कर लेती हूँ। और सभी टेलर करते हैं, जब आयरन कटिंग करते हैं उससे पहले ज़रूर प्रेस कर लेते हैं। तो ऐसा कोई संडे नहीं होता है कि हस्बैंड मेरे लिए कुछ ना लाए। तो आज लस्सी लेकर आए थे, मैंने कहा था कि उनको फालूदा खाना है पर वो लस्सी लेकर आए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ना इतना बड़ा एक गिलास लस्सी का देख के डर लग रहा था कि मैं इतना सारा पी लूँगी तो खाना कैसे खा लूँगी। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी आ जाइए थोड़ा मेरे साथ लस्सी पीने, और मैं भी लस्सी के साथ ही इस वीडियो को दी एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।